नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका सैक्सोफोन लर्निंग सेंटर हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि सैक्सोफोन के कुछ पार्ट के बारे में कि सैक्सोफोन कैसा होता है। सैक्सोफोन के कुछ पार्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसा होता है, क्या क्या यूज़ कर मतलब किस तरह से यूज़ करते हैं उसको। ये इस तरह के बैग में पैक होके आता है जब आप ऑनलाइन या किसी शॉप से ऑर्डर करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अंदर आपको सैक्सोफोन मिलता है, आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा सैक्सोफोन है दोस्तों। इसको बोलते हैं हम मेन बॉडी, क्योंकि हमारा मतलब बॉडी होता है, ये अलग बॉडी होता है। और इसके साथ एक आता है नेक स्ट्रैप, जो कि आप कैसी परफॉर्मेंस में इसको गले में ऐसे डाल के कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिना थकावट के दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इतना बॉडी हो गया। इसके साथ एक आता है दोस्तों माउथ पीस, दे सकते हैं ये माउथ पीस आता खुद बता देते हैं। ये इस तरह का माउथ पीस आता है, उसके साथ आप देख सकते हैं रीड लगी होती है, उसके साथ लगा होता है लिगेचर, जिसको आप रीड को टाइट करते हैं, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये माउथ कैप होता है, जिससे आपकी रीडें जो नुकसान ना हो, ये भी इसका सैक्सोफोन का पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं नेक, जो कि हमारे मेरे सैक्सोफोन के ऊपर लगता है, तो इसके साथ माउथ पीस लगता है। आपको मैं बता देता हूँ सभी वीडियो में। इसके अंदर आपको दोस्तों ये मिलता है सफाई के लिए, जब आप परफॉर्मेंस करके या घर आए तो धूल घटा या मिट्टी के साथ आप इसको साफ कर सकें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें इसको फिट करना है दोस्तों। फिट करने के लिए आपको नेक लेना है, इसको आप देख लेना, यहाँ पे स्क्रू लगा तो इसको आपने ढीला कर लेना और नेक को आपने टाइट कर देना है अपने सैक्सोफोन पे। आपको मैं ज़रा जी से बता देता हूँ, ये रख से हमारा नेक है ये। और ये आपको ये याद रखना है, ये वाला जो ऊपर आपको दिख रहा है इसको ओपनिंग की पेन, जो कि नीचे से प्रेस होता है, देख सकते हैं। इसको आपने अपने हिसाब से लगाना है, मतलब कि आपका सैक्सोफोन आगे होना चाहिए और नेक पीछे की तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लग गया दोस्तों। अपने हिसाब से फिट करना है, देख सकते हैं दोस्तों। इसको ऐसे आप इसको टाइट करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया है। और इसको आप देख रहे हैं स्क्रू है जो, इसको आपने टाइट कर देना है दोस्तों अच्छे से। ये हमारा सैक्सोफोन टाइट हो गया है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, जो हमारी ओपनिंग की है, अगर मैं दिखा दूँ ओपनिंग की है, जस्ट आपको ये आपके थंब रेस्ट के पीछे दिखाई देगी। इसका जो ऊपर वाला सेंटर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो मूव होता है, देखना ये मूव हो रहा है, ओपनिंग की हमारी मूव हो रही है। ये आपका पार्ट मतलब कि ऐसे फिट होना चाहिए कि ओक्टिव की का ऊपर वाला जो हिस्सा है जो ऊपर ऐसे उठा ना रहे, बंद रहे, ठीक है दोस्तों। अगर ये उठा रहेगा तो हवा लीक होगी और आपकी मतलब भी आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाओगे, ये आप बात का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है माउथ पीस दोस्तों। माउथ पीस को लगाने के लिए आपको क्या करना है, माउथ पीस को कैप से हटा देना है। आपको मैं सब बता देता हूँ दोस्तों, तो ये आपको दिख रहा है नेक के ऊपर वाला, ये वाला बॉडी पोर्स, इसके ऊपर आपको नेक को लगाना है। नेक को कैसे लगाते हैं देखते हो, इसको अपने हिसाब से इसको थोड़ा, अगर आप नए नए सैक्सोफोन लगे तो उसको थोड़ा जो लगे आप घबराइएगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी सैक्सोफोन हो उसको जो भी जो लगता है आगे तक लेके जा, हमारा माउथ पीस लगते हैं अपने पोजिशन में, अपने हिसाब से इसको फिट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया सैक्सोफोन रील। अब आपको मैं इसका रील मतलब कि रील पहले से स्टोर है, पर आपको फिर से स्टोर करके बताऊँ, ठीक है दोस्तों। मेरे पास कुछ रील पड़ी है उसको, ये दोस्तों रील है जो कि 1.5 है, जो कि इसकी स्ट्रेंथ में पहले देख सकते हैं 1.5 है जो कि स्ट्रेंथ है दोस्तों। रील मेरे पास होती है दोस्तों, ये मेरे देख सकते हैं दोस्तों, रील मेरे पास बहुत सी रील पड़ी है जो कि आपको कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएगी। ये रील है दोस्तों लेडीज लेडी कंपनी की, देख सकते हैं दोस्तों, अच्छा रील है दोस्तों। और इसको कोई भी हम इसको उठा के लगा सकते हैं। अब आपको मैं लगाने का थोड़ा तरीका बताऊँ, हम ऐसे रील लेंगे दोस्तों। इसको पहले आप ना आपको ऐसे नहीं लगाओ, इसको पहले आप एक मिनट के लिए पानी में जो कि डाल के रखोगे, ताकि ये है दोस्तों ये बांस की बनी थी, आप जानते हैं बांस में पानी में सोख लेता है, तो इसको हम बांस में डाल के पानी में डाल के रखेंगे
पानी के डालने के बाद हम 2 मिनट इसको पानी में डाल रहा, आपको सीधा बता रहा हूँ ठीक है। 1 मिनट के बाद जब आपका कुछ करने का ये लगा मुझे तो पानी में डाल के 1 मिनट के बाद उसके बाद इसको लगाए। इसको आपको सेक्सोफोन देख रहे हैं आप, ये माउथ पीस है, इस साइड को आपको देख रहा है ऊपर वाला साइड, नीचे वाला साइड। तो दोस्तों ये ऐसे लगेगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे रखेंगे और ये लगेचर को हम ये एक साइड से बड़ा होता है एक साइड से छोटा, जो छोटा वाला पाइप है जो आगे की तरफ रहेगा बड़े वाला पीछे की तरफ रहेगा। स्क्रू को आप ढीला कर लीजिए अपने हिसाब से, इसको ये आराम से देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर चला गया अपने हिसाब से। इसको यहाँ तक आपको ज़्यादा पीछे नहीं लगेगा ना, आपको मीडियम देख सकते हैं अब यहाँ पे, इसको टाइट कर देना। और आपको मैं रीड की पोजीशन बता दूँ, रीड को आगे से ज़्यादा टच नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये आगे से बहुत ही नाजुक होती है जिसकी वजह ये टूट सकती है दोस्तों। इसको टाइट करने के बाद कन लगेज को देख लीजिए, लगेज को उसके बाद इसको टाइट कर दीजिए। ये जो मैंने रील लगाई दोस्तों ये 2.5 है जिसकी इसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हार्ड काफ़ी हार्ड है उसको ग्लोइंग करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारी रील है एकदम फिट हो चुकी है, अब आपको मैं बता दूँ ये देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से ये फिट हो गई ठीक है दोस्तों। ये हमारा सेक्सोफोन हो गया है रेडी बजाने के लिए दोस्तों। तो अब हमारी मेन बात आती है कि हम इससे लोग इसको कैसे प्ले करें दोस्तों। देखने में जितना ये मुश्किल लगता है दोस्तों उतना ही बजाने में ये आसान है दोस्तों। आप इसकी की देख के ये मत सोचिए कि मैं इसको नहीं बजा पाऊंगा। आज से मैं भी तीन चार महीने पहले मैं इसको सीखना चाहता था, मुझको कोई टीचर नहीं मिला कुछ नहीं, मैंने इंटरनेट की सहायता ली। तो दोस्तों मैंने इसको सीखने की बजाय इसके सुरों के बारे में जानना सीखा, बेहतर समझा कि इसका कैसे जो कि नोट्स कैसे बजते हैं। सुर की मैंने इसको नहीं सीखा, मैं सुर समझने की बात की पहले, सुरों को समझा उसके बाद मेरे लिए बजाना बहुत ही आसान हो गया, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं पड़ी दोस्तों टीचर की। मैं खुद ऑटोमेटिकली अपने इसके नोट से नोट निकाल लेता हूँ, वीडियो में बताऊँगा कि कैसे ऐसे नोट है जो प्ले करते हैं ठीक है। मैं भी थोड़ा मुश्किल लगेगा शुरू शुरू में, जब आपको मतलब इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी तो ये दोस्तों आपको खुद नोट निकलने लगेंगे दोस्तों, खुद नोट आप बजाएंगे, आपको मतलब कि आपकी फिगर ही बन जाएगी इसके सैक्सोफोन के ऊपर, कहाँ पर आप सा बजा रहे कहाँ गा बजा रहे, तब आपके हाथ खुद चलेंगे ठीक है दोस्तों। जो गाना होता है दोस्तों कोई गाना हो बॉलीवुड हो हिंदी गाना हो सब दोस्तों होता है डिसाइड इसी पे, सारे गामा पादा निसा कोई भी गाना हो दोस्तों ठीक है ना। तो आपको सारे गामा पादा का पता लग गया तो आप ऑटोमेटिकली इसको बजा सकते हैं। तो और दोस्तों बात बता दूँ कि हमारे जो सुर होते हैं 1200 होते हैं, 700 होते हैं और 1200 होते हैं, जो कोमल गा रहे माल कुछ ऊपर मतलब कि हमारा वो होता है कोमल स्वर होते हैं क्योंकि हम बजाते हैं सारे गामा पादा नहीं, 700 शुद्ध स्वर होते हैं दोस्तों ठीक है। दोस्तों मेरे और भी ट्यूटोरियल आएंगे ना, मैं बताऊंगा कि आप किस नोट से सरगम कैसे बजा सकते हैं। आपको मतलब कि मैं सैक्सोफोन के बारे में कम बताऊंगा और ध्यान दूंगा कि कैसे इसके स्वर काम करते हैं ठीक है दोस्तों। हमारे आने वाली वीडियो में और भी आपको बताऊंगा, मैं एडवांस टेक्नोलॉजी बताऊंगा कि सैक्सोफोन में कहाँ टीवर मार कहाँ है, एफ शार्प क्या होता है, बी फ्लैट क्या होता है, कहाँ से इसका प्रयोग क्या होता है। तो दोस्तों ये बेसिक नॉलेज आपके लिए है सिर्फ सैक्सोफोन के बारे में। अगर नोट आपको मैं बजाना सिखाऊंगा लेकिन वीडियो में, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी ब्लॉग करने में दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो दोस्तों आपको मैं पार्ट पार्ट में बताऊंगा ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सैक्सोफोन ठीक है, अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों इसको आप कम करके लीजिए क्योंकि बहुत ही आसान ये इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों बजाने के ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो दोस्तों हमें कमेंट में आप रिप्लाई कर सकते हैं ठीक है। मैं इससे और रिलेटेड वीडियो लेके आता आऊँगा ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।